अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ जुलेखा फिरोज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर पिज़्ज़ा पॉकेट बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटी होने वाली है। सबसे पहले, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोल में 2 कप मैदा ले लिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है उसमें, फिर एक मिक्स देंगे। अब घी ऐड कर रही हूँ मैं, अब कोई भी घी ले लीजिए, लेकिन घी मेल्टेड होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। घी ऐड करेंगे 4 to 6 टेबलस्पून और अच्छी तरह हाथों से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह हमें आटे को गूंद लेना है। पानी आटे गूंदने के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। जितना आपको लगता है कि आटा गूंदने में लगना चाहिए, बस उतना ही पानी लेना है। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और आटे को और भी अच्छी तरह से मैं गूंद लूँगी, ताकि अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। आटा सॉफ्ट हो जाने पर इसको हम लिड सेट कवर करके आधे से एक घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ प्याज को बारीक चॉप करके रखा है और 2 कैरेट्स लिए हैं, उसको भी बारीक चॉप किया है, और 2 शिमला मिर्ची को भी बारीक काट कर रखा है। अब यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको हमें चॉप कर लेना है, इक्वली चॉप करेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में। अच्छी तरह चॉप करके इसको भी साइड में रख लेंगे। अब पैन में मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 to 6 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। फिर 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करनी है, वो भी बारीक, वो भी ऐड कर लेंगे। अब सॉटे करेंगे। फिर हमें प्याज ऐड करनी है, 4 मीडियम साइज प्याज, एकदम बारीक कटी हुई होनी चाहिए। प्याज थोड़ी गल जाए तो हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून। फिर गाजर और शिमला मिर्ची डाल देंगे और एक मिक्स देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 3 बड़े आलू मैंने डाल दिए हैं और मैशर से उसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद एक मिक्स दे देंगे, सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अब उसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और नमक ऐड करना है 1 टेबलस्पून, और ये चाट मसाला पाउडर है, ये हमें 1 टीस्पून ऐड करना है। फिर ऐड करना है मैगी मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून। फिर इसमें पिज़्ज़ा मसाला ऐड करना है, इसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बेजिल, ऑरेगैनो और पेपर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने बेजिल, ऑरेगैनो हर्ब और कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर लेनी है, चिली फ्लेक्स, इसका 2 टीस्पून हमने ऐड कर लिया है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब चिली सॉस लेना है, चिली सॉस हमें 2 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। फिर टोमेटो केचप ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और जो पनीर क्यूब्स में पहले से कट करके रखे थे वो ऐड कर लेना है। फिर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पनीर को सारी सब्जियों में अच्छी तरह से मिला लेना है और भूनना है इसे। पनीर को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस 2 से 5 मिनट ही हम इसे पकाएंगे, ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो चला जाए। अब ये कुक हो चुका है, इसको साइड में रख लेते हैं और आटा चेक कर लेते हैं। आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो इसके पेड़े बना लेंगे।
हाथ से अच्छी तरह राउंड करके पेड़े बना लेने हैं। ऐसी मैंने यहाँ पे सारे रेडी कर लिए हैं। फिर इसको बेलना है, जितना पतला आप बेल सकते हो उतना पतला आपने इसे बेल लेना है। नॉर्मल रोटी के साइज से थोड़ा बड़ा बेलना है। हाथ से अच्छी तरह फैलाकर इसे बड़ा कर लेना है और अच्छा पतला बेल लेना है। ऐसे ही मैं सारे बेल लूंगी और इसको भी साइड में रख लूंगी। अब ब्रेड ले लेना है हमें। यहाँ पे मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस को ले लिया है। उसमें हम बटर लगाएंगे पहले। सभी ब्रेड के स्लाइसेस पे अच्छी तरह बटर को लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस पे लगा लिया है। अब ये पिज्जा एंड पास्ता सॉस है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी, 1 टेबलस्पून केचप को मिला लेना है। एक डिप तैयार कर लेनी है और वो यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मैंने सब पर लगा लिया है। फिर यहाँ पे मेयोनीज ऐड कर रही हूँ मैं। 2 टेबलस्पून पिज्जा सॉस और 2 टेबलस्पून मेयोनीज को अच्छी तरह सारे ब्रेड स्लाइसेस पे लगा लिया है। फिर जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था पनीर और उसकी स्टफिंग का, वो हमें इसमें ऐड कर लेना है। ब्रेड में अच्छी तरह अरेंज कर लेंगे। ऐसे ही सब पर मैंने लगा लिया है। अब स्लाइस चीज लेनी है और वो इस पर रख देना है। सब पर मैंने रख दिया है और अब ब्रेड से इसको कवर कर लेना है। फिर इसको प्रेस करके साइड में रख लेंगे और जो हमने रोटी बनाई थी उस पर रखेंगे और दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करना है। फिर बाकी के दोनों साइड्स को भी आपस में मिला लेना है और हाथों से प्रेस करके उसको स्टिक कर लेना है थोड़ा सा। अगर नहीं स्टिक हो रहा है तो आप आटे का और पानी का घोल तैयार करके भी स्टिक कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब पैन में पहले से मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था। यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसको डीप फ्राई नहीं करना है, हमें खाली शैलो फ्राई करना है ताकि हमारी आउटर लेयर जो रोटी की है वो क्रिस्पी हो जाए। जो घी हमने आटा गूंदने में यूज़ किया था उससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। इसके लिए आटा गूंदते वक्त घी का यूज़ अच्छी तरह करना है। अब सारे साइड से मैं इसको पका लूँगी ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए और अंदर से चीज़ मेल्ट हो जाए। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। सारे मैंने यहाँ पे प्लेट पर निकाल लिए हैं। इसको आप चटनी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ। आउटर लेयर इसकी एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम चीजी और पनीर एकदम सॉफ्ट है। इसको यहाँ पर मैं टोमेटो केचप और मेयोनीज के साथ सर्व कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।